जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्त। खिताब बुक ठीक है, उन्होंने यहीं से पढ़ा था, जो उन्होंने किस्सा वहां से सुना पढ़ा मैंने, था। पूरा देखिए, सुना हाँ, मैंने। आप देखिए कि यहाँ पे ये सईद पालनपुरी साहब जब बुखारी की हदीस पेश करते हैं तो वो बुखारी का हवाला इन्होंने दिया। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, जी ये दिख रहा है ठीक है। उसके बाद जो मुफ्ती साहब ने जो इबारत पढ़ी उसके नीचे यहाँ पूरी इबारत है। यहाँ पर कहीं भी सीरते हल्बिया का हवाला नहीं है। हालांकि मुफ्ती साहब से बार बार जब मैं सवाल किया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सीरते हल्बिया का हवाला दिया है। तो कहाँ है? किताब तो उनके सामने थी, पन्ना उनके सामने था, क्यों झूठ बोला उन्होंने? यहाँ पे कहाँ है बताइए आप। अच्छा, ये देखिए, एक इबारत यहाँ पे इन्होंने लिखी, यहाँ पे इन्होंने ब्रैकेट में वन लिखा और उसके पन्ने के एंड पर वो वन को उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है। तो ये अभी इसको आप जो अगर बोलना आप, चाह रहे हैं साहिल साहब, हाँ अभी आप जो बोलना चाह रहे हैं उस मियार और उस पैमाने पे कोई भी किताब ऑथेंटिक नहीं है, नहीं, उनके बात हाथ में की भी ऑथेंटिसिटी की नहीं, नहीं हो रही है अब्दुल हमीद भाई, आप मेरी सीरत बात हल्मिया की आपने भी सर नहीं, बुखारी भी नहीं, नहीं, कोई भी किताब मैं ऑथेंटिक नहीं। सुनिए सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ऑथेंटिसिटी की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं मुफ्ती साहब के धोखेबाजी और झूठ की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि नहीं कहा कि सईद पालनपुरी साहब ने वहां पे सीरत हल्बिया का हवाला दिया है? कहा कि नहीं कहा उन्होंने अब्दुल हमीद भाई? ये ठीक है, वो कहा होगा, वो इतनी सीरियस हाँ, बात वो नहीं होगा है नहीं, इसको यार। पकड़ के ये तुम उसी से बिल्कुल, टोटल डिटेल निकाल लोगे कि एक ही चीज हम मान लिया तुम्हारी बात। मैं 1 मिनट भाई, उन्होंने कहा कि सीरत हल्बिया का हवाला दिया है मुफ्ती पालनपुरी साहब ने। मैंने ये पन्ना सामने रखा, यहाँ पे पालनपुरी साहब ने जब बुखारी की बात की तो बुखारी का हवाला है ठीक है, और जब उनको बात बतानी थी वन नंबर लिख के वो हवाला दे रहे हैं ठीक है। ये धोखेबाजी नहीं है तो यार कितना बचाओगे यार उन्होंने आगे? हवाला हाँ, नहीं दिया, नहीं सुनो, उन्होंने हवाला नहीं दिया, मैं उस चीज को मना नहीं कर रहा हूँ, वो तो ये डिनाई धोखेबाजी मैंने, हुई? नहीं, हवाला दिया नहीं। दो चीज उन्होंने उन्होंने जब कहा कि, इबारत पढ़ी, उन्होंने जब तुमने पूछा ये कहाँ से आपने इसका हवाला, उन्होंने किस किताब का हवाला लिखा, तो उन्होंने कहा कि सीरत हल्बिया का। ना ये देखिए, यही यही गड़बड़ी है कि आपने खुद नहीं सुना मेरी वीडियो को ढंग से, और आपने इल्जाम लगा दिया लोगों के ऊपर कि उनको समझ कुछ नहीं आता और वो बस मजे लेने चीज आते। 1 मिनट रुको, एक होता मिनट सुन लो, रुको, सुन लो, मैं बता रहा हूँ। नहीं, रुक जाओ यार, रुक जाओ रुक जाओ, ये देखो क्या कह रहे हैं मुफ्ती साहब। बताता हूँ, तजाद है, तजाद ये था वहां से आंसू साहब सल्लम का निकाह हो गया, मगर वो शोहर के घर भेजने के काबिल नहीं। अच्छा देखिए, दोबारा पढ़ता हूँ, ये दूसरी तरफ ये हुआ कि जब खानदान के लोग हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुनासिब रिश्ता तलाश करना अच्छा हाँ, आगे अगले पैराग्राफ में उधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मरतबा ख्वाब में हजरत आयशा वहां से हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, भाई मैंने आपको बताया, आपने मुझसे हवाला मांगा, देखिए क्योंकि बुखारी मैंने में, आपको, बुखारी में हदीस है। आप ये क्या, आप क्या मान लीजिए, चलो मैंने किसी किताब का हवाला दिया, क्या मैं उससे झूठा साबित हूं कि मेहमान नहीं है, मगर अल्लाह की स्टेक सेवा ऑफ द आर्गुमेंट क्यों, आप सीधा बताइए ना हवाले से, सुन आपको लीजिए मैंने सुन लीजिए, हवाला हाई पर ना हो। दिया? नहीं, ऐसे नहीं होता है ना जनाब, आप दे दीजिए ना, आप नहीं, आपने आपने ये कहा था कि मैं सिर्फ एलबिया का वक्त, आपने अचानक पूछा है इसलिए मैं उसका वरना लगा कर रखता, क्या कहते हैं उसको, बुकमार्क, बुक का नाम तो बताइए जनाब, बुक का मार्क है, ये बुक का नाम है खुतबात इल्मी खुतबात, और ये किताब किसके है ये, कभी हजरत मौलाना मुफ्ती सईद पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह की, के ये, दारुल दियोबंद के शेखुल हदीस हैं, और ये किताब कभी के ये, पिछले साल इंतकाल हुआ उनका हाँ ठीक है, वही वही जानने की कोशिश कर अच्छा, रहा था। और उसके बाद उन्होंने हवाला दिया है सीरत हल्बिया का ठीक ये देखो ठीक, है, हाँ तो सीरत सीधे तो मैं क्या भी तो बोला वही उन्होंने बता इसमें? रहा हूँ नहीं ना, मैं तो वही नहीं बता रहा हूँ। सुनो, ये सुनो सुनो सुनो, उन्होंने क्या किया, कहा मुफ्ती साहब अरे ने, भाई मैं भी वही बता रहा हूँ कि उन्होंने बताया कि उन्होंने जो सईद पालनपुरी ने सीरत हल्बिया का हवाला दिया है,
हवाला दिया। हाँ तो वो हवाला किधर है, वही तो मैं बोल रहा हूँ तब से, तो फिर क्या सुना रहे हो मुझे? तो कहाँ है माने वो, तो कहा इसको उसके मुफ्ती पास साहब जो। ने यहाँ पे ये इस चीज को एक्सेप्ट किया कि जब उनसे पूछा गया कि हाँ मुफ्ती सईद पालनपुरी ने कहाँ से हवाला लाया, तो उन्होंने कहा कि सीरत हल्बिया से। यही तो मैं तब से बोल रहा हूँ। नहीं, कहाँ से लाया अगर पूछोगे तो ये आपकी धोखेबाजी हो जाएगी मुफ्ती की तरह। मुफ्ती ने कहा कि सईद पालनपुरी ने सीरते हल्बिया का हवाला दिया, लाया नहीं, दिया। दिया के लिए उधर हवाला होना चाहिए, किताब में तो है नहीं हवाला। तो इसको धोखेबाजी नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे यार, उसी आप भी वही धोखेबाजी कर रहे हो यार। नहीं, मैं उसको, अगर उस किताब में नहीं है तो बिल्कुल वो इल्मे खयानत है। ये अगर मुफ्ती साहब ने दिया है, ये अच्छा बिल्कुल दीनी खयानत है। और ऐसे ही देखो, ऐसे ही खयानत अगर लोग, खयानत को आप थोड़ा आसान लफ्ज में हमारे दर्शकों के लिए बताएं कि क्या कहेंगे। धोखेबाजी खयानत दबाना जिसको बोलते हैं, या बोल दबा सकते के हैं, छुपा लेना, धोखेबाजी और कह सकते हैं। धोखेबाजी भी कह सकते हैं। ठीक, उन्होंने धोखेबाजी की जो मैं कह रहा था, अब आप मान गए। अच्छा, एक धोखेबाजी ने ये कही, ठीक है। दूसरे धोखेबाजी देखिए आप, इन्होंने कहा कि सीरते हल्बिया का उन्होंने हवाला दिया मैं है कब ना मना, मैं कल उनकी यार। जो सुन लो ना सुनो यार, पहले सुनो सुनो, स्मार्ट कल किशन भाई, ये जो बात हुई तुम्हारी और थोड़ा रुक उनकी, जाओ ना यार, थोड़ा रुक जाओ ना। अभी एक बात पे तो हम अग्री हो गए और आप भी माने एग्री, मैं कि कल से, उन्होंने मैं इस यार, डिस्कशन, ये जो सुन लो टेक साहिब, लगाओ एक मिनट ना सुनने दो। भाई, तुम आज कल टेक अपनी तो अटकी लगाओ। हुई, देखो कल तुमने उन्होंने एक चीज तुमको बता के मतलब तुमसे माफी मंगवा ली। अब उस चीज का तुम मतलब, हालांकि उन्होंने गलत चीज किया है, मना नहीं कर रहा हूँ उस चीज को, कि नहीं, उन्होंने उन्होंने जो धोखेबाजी हवाला, की ना यार। हाँ धोखेबाजी से हवाला पेश किया, जबकि तुम्हारा पहला कसूर ये था कि तुमने बोला कि उसका कोई हवाला आपने बताया नहीं, बिना दलील के बताया। तो हाँ उन्होंने सबसे पहले ये किया कि पहले दलील किताब से दिखा दी, जो ठीक किताब में है, लिखी है ओके, वो तुम भी अग्रीड मानते हो। तो तुम अग्रीड, वहां पे तुरंत वहां पे अगर मतलब ये कर लेते, उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते, तो ठीक है, वो अग्रीड आज और बुरी तरीके से एक्सपोज होते। अग्रीड मैं ठीक है, अग्रीड मैं आपकी बात मान लिया और अब्दुल हमीद साहब लेकिन की भी बात तुम्हारी मान भी एक लिया गलती ये रही कि तुमने उनको यार। ये चैलेंज मैंने दे भी दिया। सुनो ना यार, मैंने वो मान लिया, ठीक है, कि तभी का तभी उनको सॉरी बोल देना चाहिए था, ठीक है। मैंने लेट में बोला, मैं मान लेता हूं कि ठीक है, मुझे पहले ही बोल देना चाहिए था। मसला तो वो खत्म हो गया। अब मसला ये है कि आप एक बात पे मान गए कि मुफ्ती साहब ने इल्मी खिताब, जो किताब का उन्होंने कहा था, वहां पे एक उन्हें धोखेबाजी की, ठीक है। अब दूसरा सवाल मेरा ये है कि उन्होंने कहा कि सीरत हल्बिया में ये इबारत मौजूद है, इस बात से आप एग्री करते मेरे कि मुफ्ती बिल्कुल साहब ने बिल्कुल, कहा कि ये हाँ इबारत हाँ जो है। बिल्कुल कहा है, मैंने सुना है। हाँ, अब मैंने सीरत हल्बिया भी यहाँ पे पेश कर दी और वो पूरा किस्सा पढ़ के सुनाया जिसमें ये वाली इबारत का कोई भी हिस्सा वहां मौजूद नहीं है, बल्कि वहां पे वो बात है जो मैंने कही थी कि हजरत खौला बिनते हाकिम ने उनको भेजा था, सॉरी, हजरत खौला बिनते हाकिम ने उनको ये बताया था दो रिश्ते के बारे में, कंवारी और बेवा, और मोहम्मद साहब ने हजरत खौला को भेजा था, ठीक है। हजरत अबू बकर नहीं आए थे सामने से, यहाँ पे इन्होंने धोखेबाजी की या नहीं की ये बताएं। नहीं वो तो सही है, मैं मान चुका हूँ उस चीज को। मैं कल उस चीज को तो सुन, मैंने जब सुना, मैं उस, हालांकि मेरा वो किताब मैंने कभी देखी भी नहीं है ना पढ़ी है। और आपको ये लिंक जो चाहिए, तो, मैं हाँ लिंक दे देता हूँ यार, मैं मुझे वही लिंक लिंक देख दे। रहा हूँ। एक मिनट, मैं अभी अभी जो है ना, मैंने सब ओपन करके रखा था, ये बहुत दूसरी सारे काम। मेरी मेरी एक एक गुजारिश है साहिल, इन हाँ तारीखी किताबों से डिस्कशन ना किया जाए, क्योंकि ये बहुत सीरियस मामला है। हम लोग जो कुरान हदीस डिस्कस कर रहे हैं, ये बहुत सीरियस मामला है। और मेरे अच्छा, ख्याल से मैंने मुफ्ती आपके साहब, साथ, सुनो सुनो एक सुनो, मिनट, मेरे ख्याल से मैं मुफ्ती आपके साथ साहब करता जो है हूं, वो नहीं, नहीं ना, तो फिर आप मुझ पे इल्जाम नहीं लगाए। मैंने देखो, मैं अब इसलिए मैं मना कर रहा हूँ क्योंकि अभी अभी हम लोग जो जिस किताब का यार, नाम ले रहे आप हैं, नहीं मानते हो ना, दुनिया मानती है ना, जो दुनिया नहीं मानती है कोई उसके साथ। किसी, अच्छा ठीक है चलो, किसी भी मुकल्लिद को बुला के पूछो कि ये जो तारीखी किताब है आप इनको ऑथेंटिकेट मानते हैं? वो बोलेंगे नहीं हम लोग मानते नहीं, लेकिन हम लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, हम लोग हाँ, इसको एक्सेप्ट करते हैं मतलब ना,
क्यों क्यों करते हैं, मैं आप वो भी बता देता हूँ। आप मुफ्ती साहब होंगे देवबंदी, है कि नहीं? यार, मैं सवाल मेरा वो है ही नहीं मेरे भाई, स्मार्ट अरे पेशेंट साहिब भाई, भाई। ये आदमी यार सिर्फ बोलने की क्षमता रखता है, सुनने की नहीं रखता है। नहीं, एक मिनट, ऐसा नहीं, 1 मिनट काष्ठ साहब, देखिए स्मार्ट क्वेश्चन भाई, आज का जो डिस्कशन है ना हमारा, वो मैंने इसीलिए पहले क्लियर कर दिया था कि ये बात दूसरे टॉपिक पे हमें नहीं जाना है कि वो ऑथेंटिक है नहीं है, आयशा वाकई में 6 साल की थी नहीं थी, क्या मसला था, वो सब नहीं। टॉपिक बिल्कुल साफ था, क्या मुफ्ती यासिर साहब ने धोखेबाजी से काम लिया, आपने वो तो एक खुद जुमले में दोनों पहले कह धोखेबाजी को दिया। अग्री किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रामानंद सागर जी ने $15 का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं स्मार्ट क्रिएशन भाई वाकई में आपको सल्यूट करता हूँ कि आपने हक गोई की, आपने हक बात को तस्लीम किया। अच्छा ये बताइए, इनका ये कहना कि मैं अपने बड़ों की बात पे को मानकर चलता हूं, मुझे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, इस पे आप कितना एग्री करते हैं? ये अंधे मुकल्लिद हैं। मैं इसीलिए जो मुकल्लिद मुफ्ती होता है रह वो के, कर, मुफ्ती रह कोई के भी हो, मुफ्ती हो या कोई भी हो, यार, आप पीएचडी तो खुद डॉक्टर है वो। सुनो सुनो, कहीं भी तुम तो खुद इस्लाम में रह चुके हो, तो दीन में ये जो मुकल्लिद होना, ये कहीं लिखा नहीं है कि आप फला शख्स के मुकल्लिद बने तब आप दीन को समझ पाएंगे। ठीक यार है, आप कभी समझ, आप है ना स्मार्ट क्रिएशन भाई, कभी किसी मुकल्लिद से मुनाजरा करो, आपको कुरान और हदीस से साबित करके दिखाएगा वो, तकलीद करना ये बातें यार तो नहीं करो। मैं तो इतने दिन से एडम को और वो जो मोहम्मद आते हैं आपके चैनल में, जो सबको कत्ल करने का धमकी देते रहते हैं, तो उन दोनों को तो चैलेंज करके 1 महीना हो गया शायद तुम्हारी स्ट्रीम यार में, कोई लेकिन मुफ्ती दोनों को में करो ना चैलेंज, किसी कोई मुफ्ती के मुफ्ती पास जवाब नहीं है भाई मेरे। मैंने जितने मुफ्तियों से अभी तक मिला हूँ, तुम शायद ही मिले होंगे अपनी लाइफ ऑनलाइन में, ऑनलाइन बात करो, वीडियो का ऑनलाइन लिंक नहीं, दो। लाइव, फेस टू फेस, फेस टू नहीं फेस, नहीं ये यार फेस टू बने। फेस, 1 मिनट स्मार्ट क्रिएशन भाई, फेस टू फेस आपकी क्या बात हो रही है हमको नहीं मालूम। मैं कह रहा हूँ हाँ ये हाँ खुद हाँ मुफ्ती फजल हमदर्द साहब जो है ये लाइव चलाते हैं, कॉलर्स भी लेते हैं, जाके बात करो, मेरी उनसे बात हुई थी, वो खुद मुकल्लिद है हाँ सूफी। हाँ और मुकल्लिद होने का एक भी दलील कुरान हदीस से दे दो। वो आप उनसे बात करो, बिल्कुल डिस्कशन करो, और वो मुझे लिंक शेयर करो, हम भी देखेंगे कि हाँ भाई ठीक है, आप जाके उनसे भी बात करते हो। आप एक्स मुस्लिम के पास आके मुकल्लिद गैर मुकल्लिद बात करोगे, मैं तो दोनों को गलत मान, मैं तो इस्लाम को ही सही नहीं मानता हूं, तो मैं मुकल्लिद गैर मुकल्लिद की झंझाल में क्यों फंसू यार। तो मैं भी तो यही खैर कहता हूँ, ठीक थैंक है, यू। हमको स्मार्ट क्रिएशन भाई आपका शुक्रिया, और आपने कहा कि ये इतने बड़े मुफ्ती पीएचडी होकर भी ये बेवकूफ है और मैंने बेवकूफ नहीं बोला, अंधे मैं है ना। जो अच्छा अब मेरे मुंह में अपने अल्फाज, क्या कहा, मैं अच्छा उनकी आप जो बता दो इल्मी क्या कहा था। खयानत है, जो नहीं वो इल्मी नहीं, आपने खयानत, लास्ट में कहा ना, मैंने जब इनसे, मैंने आपसे जब पूछा कि ये कहते हैं कि मैं अपने आलिम की बात पे भरोसा करके मान लेता हूँ, उस पे आपने एक स्टेटमेंट दिया ना, क्या कहा था वो? मैंने कहा है ये अपने अपने उलेमाओं के अंधे मुकल्लिद हैं, ठीक है, हाँ और हाँ ये उनकी बात बिना सोचे समझे उनके पीछे चलते हैं, बिना बिल्कुल, चेक चलिए किए, बिना जाने। चलो चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्मार्ट क्रिएशन भाई, आप आए और आपने हिम्मत के साथ और ईमानदारी के साथ आपने ये कहा कि मुफ्ती साहब ने धोखा दिया दोनों जगह पर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।